नीतल यूरी हो आयस चाने अखलास अंद वंद रोज मा चानी कल यूरी हो आयस चाने अखलास अंद वंद जमा चानी कल मामला लोब दिमियो दिलास पर थो गिलास कुल नीतल पर थो गिलास कुल नीतल वलय कस्तूरिये वलय कस्तूरिये पूरे मई द्रावणेरिये वलय कस्तूरिये पूरे मई द्रावणेरिये प्रजनो मयूरिये वलय कस्तूरिये अथनाल नमस खमते खुर छखवाया यम नहीं अशकन तेरे मिट गालायान अथनाल नमस कमते खो छखवायान यम नहीं अशकन तेरे मिज गालायान थम गोया बस नम रटते योरिये वलय कस्तूरिये पूरे मई त्रावणी दिए जान पकुन प्रजनो मई दूरिये तिंदु पशमाल गिंद निद्राई लोलो हो रिंदु पशमाल गिंद निद्राई लोलो शुभ शाबान चन पुत छाई लोलो हो रिंदु पशमाल गिंद निद्राई लोलो रश वाला मैंने दिल बरो पशन बहारा योर वालो रश वाला मैंने दिल बरो पशन बहारा योर वालो टंग फुल यार कैच जान हर दुआला दर्द सान टंग फुल यार कैच जान हर दुआला दर्द सान बजे बग पा मर पान पशन बहारा योर वालो बजे बग पा मर पान पशन बहारा योर वालो दिल भरो दिल भरो अरे फुल यार कैच जान हर दुआला दर्द सान अरे फुल यार कैच जान हर दुआला दर्द सान बजे बग बा मारे पान पशन बहारा योर वालो रश वाला मैंने दिल भरो पशन बहारा योर वालो थैंक यू सो मच बहुत बहुत खूब राविया। अब मैं इसी के साथ रुखसार को दावत देती हूँ गजल के लिए। माय ऑडिबल आवाज आ रही है मेरी जी 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 आ रही है रुखसार ओके कैमरा ऑन कर लीजिए रुखसार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसार है। मैं कमर जलालवी साहब की गजल पेश करना चाहती हूँ, समाज फरमाए। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा ना किसी से तेरे जाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगा ना रही मेरी आशियाने को, कहीं जगा ना रही मेरी
आशियाने को कभी कहाना किसी से तेरे फसाने को, सुना है गैर की महफिल में तुम ना जाओगे, सुना है गैर की महफिल में तुम ना जाओगे, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को, कभी कहाना किसी से तेरे फसाने को, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ ना सलाम, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ ना सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, कभी कहाना किसी से तेरे फसाने को, अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, जो हुक्म हो तो यही छोड़ दूं फसाने को, जो हुक्म हो तो यही छोड़ दूं फसाने को, मक्ता पेश है, कमर जरा भी नहीं तुमको खौफे रुसवाए, कमर जरा भी नहीं तुमको खौफे रुसवाई, चले हो चांदनी शब में उन्हें बुलाने को, चले हो चांदनी शब में उन्हें बुलाने को, कभी कहाना किसी से तेरे फसाने को, शुक्रिया। थैंक यू सो मच रुखसार फॉर मेकिंग अस हेयर सच अ वंडरफुल एंड मेलोडियस वॉइस. द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज शाजिया खान फ्रॉम द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज पवन कुमार फॉर लोक गीत फ्रॉम सैयदी फॉर. पवन कुमार इज द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. क्या मेरी वॉइस आ रही है? सैयद हाउस क्या है पवन कुमार का? सैयद इन हाउस. हेलो, आपकी आवाज आ रही है पवन. ओके मैम, तो मैं पवन कुमार बीएड जनरल का स्टूडेंट हूँ और आपके समक्ष सैयद इन हाउस से उपस्थित हुआ हूँ। मैं गोरखनाथ पांडे की गीत जनता की आवे पलटनिया प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें यह दिखाया गया है कि आज़ादी के बाद जिस प्रकार से जमींदार और पूंजीपति वर्ग उभर कर सामने आया, उसका समाज के सभी वर्गों ने किस प्रकार विरोध किया। तो
तो पेश करता हूँ आपके सामने। झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, जनता की आवे पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, हिले ले पहाड़वा, हिले ले नदी तलवा, हिले ले पहाड़वा, हिले ले नदी तलवा, सगरों में उठेला हिलोरवा, हिले ले झकझोर दुनिया, जनता की आवे पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, लड़ले गुलमवा, लड़ले मजलूमवा, लड़ले गुलमवा, लड़ले मजलूमवा, लड़ले अरे लड़ले गरीबवा बेकमवा, हिले ले झकझोर दुनिया, लड़ले गरीबवा बेकमवा, हिले ले झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, लड़ले किसनवा, लड़ले मजदूरवा, लड़ले किसनवा, लड़ले मजदूरवा, लड़े मिली अरे लड़े मिली खुनवा पसीनवा, हिले ले झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, लड़ली बहनिया, लड़ली महातरिया, लड़ली बहनिया, लड़ली महातरिया, लड़ले अरे लड़े सब दुख के संगतिया, हिले ले झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, ढाए जमींदरवा, ढाएला पूंजीपतिया, ढाए जमींदरवा, ढाएला पूंजीपतिया, ढाए लुटे मर के कानूनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, ढाए लुटे मर के कानूनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया। थैंक यू। शुक्रिया आप सभी का। बहुत खूबसूरत पवन। इसी के साथ में सैयदान हाउस से उम्मे हबीबा को दावत देती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? जी उम्मे हबीबा, आवाज आ रही है आप? जी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम उम्मे हबीबा है और मैं सैयदान हाउस से हूँ। मैं आपके सामने मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल मुद्दत हुई है यार को पेश करने जा रही हूँ, समाअत फरमाएं। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदास बज्म चरागा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मांगे किसी को, लबी बाम पर हवा मांगे किसी को, लबी बाम पर हवा, जुल्फे सिया
याह रुख पे परेशान किए हुए मुद्दत हुई है यार को एक नो बहार नाज को ताके फिर निगा एक नो बहार नाज को ताके फिर निगा चेहरा फरोग में गुलिस्ता किए हुए मुद्दत हुई है यार को जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए मुद्दत हुई है यार को मकता पेशे खिदमत है गालिब हमें न छेड़के फिर जोश अश्क से गालिब हमें न छेड़के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए जोश कदा से बज्म चरागा किए हुए मुद्दत हुई है यार को शुक्रिया Thank you so much, Ume Habiba, for giving such a thrilling and fabulous performance. Now I would like to call Sana Khan from our last house, that is Zakir House, for Log Geet. Sana Khan, please come. Time's up. Am I visible and audible? You are audible, but not visible. Am I now visible, ma'am? No visible. Yes. No, beta, no. Yes, you are visible. It's visible. Now you are visible. Okay. A very warm good afternoon to everyone. Respected teachers, judges, and all my dear friends. Today, I, Sana Khan, a student of BA General First Year Section C and a representative of Zakir House, is here to present a Bengali folk song, Dhitang Dhitang Bole, written by Salil Chaudhary. It's a legendary Bengali folk song which became popular during 1950s so as to encourage the newly independent citizens of our country towards nation building. थ्रू एग्रीकल्चर इस लोकगीत के अंदर किसान अपने परिश्रम और अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं और चांद तारे बादल आसमान और चंपा और पारुल जैसे फूल भी उनको सराहा रहे हैं उनकी मेहनत को सराहा रहे हैं तो जो किसान है उनका सपना है कि वे जमीन में से स्वर्ण रूपी अनाज उगाएं तो आइए बंगाल चलते हैं और उनकी खुशी में उनके परिश्रम में और उनके उत्सव में शामिल होते हैं तो यह गीत कुछ इस प्रकार है
धितं धितं बोले ए मा दले तन तले आर आनंद उच्छले आकाश भरे जो छोनाय धितं धितं बोले ए मा दले तन तले आर आनंद उच्छले आकाश भरे जो छोनाय आई छुटे सपले ए मातर धारा तले आज हासुर करो रोले नूतन जीवन गरियाय आई छुटे सपले ए मातर धारा तले आज हासुर करो रोले नूतन जीवन गरियाय आई रे आई लगन बुए जाय मिखर घर कारे चांदर सीमनाय पारल पंडा के चंपा छुटे आय भर गिना शोभा के कमर बिंधे आय आई रे आई आई रे आई आई रे आई भिनक न तिन तिना रे बाजारे पाम बिना आज सबर मिलन बिना ए मन जीवन बिथा जाय भिनक न तिन तिना रे बाजारे पाम बिना आज सबर मिलन बिना ए मन जीवन बिथा जाय ए देश तो अमर अमर ए अमर भरी खमर और अमर गोडी स्वप्न दिए सुनर कामना ए देश तो अमर अमर ए अमर भरी खमर और अमर गोडी स्वप्न दिए सुनर कामना आई रे आई लगन बोए जाय मिखर घुर करे चांदर सीमनाय पारुल बंदा के चंपा छुटे आय भर गिरा शोभा के कमर बिंधे आय आई रे आय आई रे आय आई रे आय आई रे आय धितं धितं बोले ए मातले तन तले आर आनंद उच्छले आकाश भरे जो छोनाय आई छुटे सकले ए माते धारा तले आज हासुर करो रोले नूतन जीवन गरियाय आई रे आय लगन बुए जाय मिखर खुर करे चांदर सीमनाय पारुल पंडा के चंपा छुटे आय भर गिना शोभा के कमर बिंधे आय आई रे 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 आय थैंक यू वेरी मच अब जाकिर हाउस की आखिरी पार्टिसिपेंट सना इब्तिसाम को मैं गजल के लिए दावत देती हूँ। Am I audible and visible? Yes, Sana, you are visible as well as audible. Please start. Okay. So, assalamu alaikum sabhi ko. Mera naam Sana Ibtisam hai aur main jo ghazal pesh karne ja rahi hu wo ghazal Allama Iqbal sahab ki Sitaron se aage jahan aur bhi hai. Aur is ghazal ko maine isliye choose kiya hai kyunki ye dil mein josh bhar kar hamesha aage badhte rehne ki nasihat deti hai. So, start karti hu. Sitaron se aage जहाँ और भी है सितारों से आगे जहाँ और भी है अभी इश्क के इम्तिहान भी है सितारों से आगे जहाँ और भी है قناعت نہ کر قناعت نہ کر عالم قناعت نہ کر عالم رنگ پر چمن اور بھی آشیاں और भी है चमन और भी आशियां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान भी है सितारों से आगे जा भी सितारों
सितारों से आगे जहां और भी है, अगर खो गया एक नशे अगर खो गए एक नशे तो क्या, अगर खो गए एक नशे तो क्या, मकामात आहो है मकामात है अभी इश्क की इंतहा ही है, सितारों से आगे जहां भी। ये लास्ट शेर है, तो शाही है परवान तो शाही है तेरे सामने आसमान और भी है, तेरे सामने आसमान और भी है, अभी इश्क की इंतहा है, सितारों से आगे जहां, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। थैंक यू। बहुत खूब सना। सामईन बावकार, काफ़ी देर से हम मुसाहिमीन या पार्टिसिपेंट्स को सुन रहे हैं, और जबकि इस मुकाबले जाती प्रोग्राम के सभी शुरका को हम सुन चुके हैं, तो नतीजा अल्शिफा और उसके तैयार होने में अभी वक्त है, लिहाजा इस मौके को गनीमत समझते हुए मैं मुनासिब समझती हूँ कि हमारे दरमियान मौजूद अल्शिफा। Yes, ma'am. Before you conclude, मैं जजेस साहिबान की इजाजत के साथ और हेडमैन की एंड कोऑर्डिनेटर्स की इजाजत के साथ कुछ कहना चाहती हूँ। मैम इजाजत है? मैम हम क्या अभिराम को एक बार फिर से सुन सकते हैं, बिकॉज वो पहला प्रेजेंटेशन था और वॉइस बहुत कम आ रही थी, हो सकता है कोई टेक्निकल रीजन रहा हो, अगर जजेस इजाजत दें तो क्या हम सुन सकते हैं एक बार? बच्चों के भी यही कमेंट्स आ रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल 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 सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। वो जो अगर मैं सही हूँ तो आप बताएं, अगर ठीक है, आपने जो केरला का गीत था बिल्कुल पहला वाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुन लीजिए। ओके आकांक्षा मैम, कैन वी प्रोसीड? एब्सोल्युटली प्लीज। ओके थैंक यू मैम। अभिराम मैम प्लीज स्टार्ट। हाँ प्लीज टेक केयर, और पहले अपना वॉइस चेक करिए, देन यू जस्ट मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं पहले लीव करती हूँ ये वन। इज माय ऑडियो ब्रेकिंग नाउ और इज इट फाइन? इट्स फाइन, इट्स ओके। हाँ ओके। Good evening everyone, namaskaram. I'm actually singing a song which is related to the Onam, which is a great festival of Kerala, and the song depicts the practice of you know, making floral patterns in our front yard during the festival. Here is the song. Puve poli puve 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 poli puve poli puve puve poli puve poli puve puve poli puve puve poli puve
पुए पोली पुए पुए पोली पुए पुए पोली पुए पोली पुए पोली पुए पुए पोली पुए पोली पुए ஒரு நுள்ளு காக்கப்பூ கடம் தருமோ ஒரு கூன தும்பப்பூ பகரம் தராம் அதரத்தால் வாரியால் பிணங்குமோ நீ அது நின்றே சுடிகளில் விரிஞ்சதல்லே ஒரு நுள்ளு காக்கப்பூ கடம் தருமோ ஒரு கூன தும்பப்பூ பகரம் தராம் அதரத்தால் வாரியால் பிணங்குமோ நீ அது நின்றே சுடிகளில் விரிஞ்சதல்லே அரளிப்பூ குடகள் தன் அணி நிறந்து இரு சங்கு புஷ்பங்கள் கண்டு நின்னு அரளிப்பூ குடகள் தன் அணி நிறந்து இரு சங்கு புஷ்பங்கள் கண்டு நின்னு அரளிப்பூங்கவில் நீல மலர் மிழிகள் அரளிப்பூங்கவில் நீல மலர் மிழிகள் அழகே பூக்களம் நின்முகமே ஒரு நுள்ளு காக்கப்பூ கடம் தருமோ ஒரு கூன தும்பப்பூ பகரம் தராம் அதரத்தால் வாரியால் பிணங்குமோ நீ அது நின்றே சுடிகளில் விரிஞ்சதல்லே மலரோடு மலர் பின்னும் மணியுஞ்சாலில் ஒரு வட்டம் ஞானும் ஒன்னாடிக்கோட்டே மலரோடு மலர் பின்னும் மணியுஞ்சாலில் ஒரு வட்டம் ஞானும் ஒன்னாடிக்கோட்டே உயரத்தில் ஞான் சில்லாட்டமாடும் போல் உயரத்தில் ஞான் சில்லாட்டமாடும் போல் அடரல்லே ஊஞ்சாலன் ஹிருதயமடி ஒரு நுள்ளு காக்கப்பூ கடம் தருமோ ஒரு கூன தும்பப்பூ பகரம் தராம் அதரத்தால் வாரியால் பிணங்குமோ நீ அது நின்றே சுடிகளில் விரிஞ்சதல்லே புவே பொலி பூவே 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 பொலி பூவே பொலி பூவே புவே பொலி பூவே பொலி பூவே தேங்க் யூ सामईन बावकार काफ़ी देर से हम मुसाहमीन पार्टिसिपेंट्स को सुन रहे हैं और इस जबकि इस मुकाबला जाति प्रोग्राम के सभी शुरका को हम सुन चुके हैं तो नतीजा और रिजल्ट को तैयार होने में अभी वक्त है लिहाजा इस मौके को गनीमत समझते हुए मैं मुनासिब समझती हूँ कि हमारे दरमियान मौजूद अपने हाउस के कुछ मजीद साथियों को सुना जाए और महफिल की रौनक को और बढ़ाया जाए तो चलिए सबसे पहले मैं दावत देती हूँ आज़ाद हाउस से हफीजुर रहमान को कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज से माहौल को ताजगी बख्शें हफीजुर रहमान अलशिफा अलशिफा यस मैम आप पहले आप ये कहिए कि ये कंपटीशन यहाँ पर स्टॉप हो चुका है ठीक है ये कंपटीशन अब स्टॉप हो चुका है देन फिर आगे कीजिए जी मैम ये कंपटीशन यहीं पर ख़त्म होता है आगे फिलर्स के लिए मैं दावत देती हूँ हफीजुर रहमान को अस्सलाम वालेकुम आवाज़ आ रही है हेलो बहुत कम आवाज़ आपकी आवाज़ आ रही है बहुत लो है लेकिन आप कैसे आ रही सर थोड़ी बेहतर हुई है ठीक
मैं एक गजल हाजिर कर रहा हूँ, ये मौलाना आमिर उस्मानी साहब का गजल है कि तुम रूठ चुके दिल टूट चुका अब याद ना आओ रहने दो, तुम रूठ चुके दिल टूट चुका अब याद ना आओ रहने दो, इस महफिल गम में आने की जहमत ना उठाओ रहने दो, इस महफिल गम में आने की जहमत ना उठाओ रहने दो, ये सच के सुहाने माजी के लम्हों को भुलाना खेल नहीं, ये सच के भड़कते शोलों से दामन को बचाना खेल नहीं, रिश्ते हुए दिल के जख्मों को दुनिया से छुपाना खेल नहीं, और आके नजर से जलवों की तहरीर मिटाना खेल नहीं, लेकिन ये मोहब्बत के नगमे इस वक्त न गाओ रहने दो, जो आग दबी है सीने में हो टोंपे न लाओ रहने दो, तुम रूठ चुके दिल टूट चुका अब याद न आ रहने दो, कुछ बोल रहा है, कंटिन्यू करो बेटा कंटिन्यू करो, कि माना के मोहब्बत की खातिर हम तुमने कसम भी खाई थी, ये अमन सुकून से दूर फजा पैगाम सुकून भी लाई थी, वो दौर भी था जब दुनिया के हर शे पे जवानी छाई थी, ख्वाबों की नशेली बदमस्ती मासूम दिलों पर छाई थी, लेकिन वो जमाना दूर गया अब याद न आओ रहने दो, जिस राह पे जाना लाजिम है उसे न हटाओ रहने दो, तुम रूठ चुके दिल टूट चुका अब याद न आओ रहने दो, इस महफिल गम में आने की जहमत न उठाओ रहने दो, तुम रूठ चुके दिल टूट चुका अब याद न आओ रहने दो, शुक्रिया। बहुत उम्दा हफीजुर रहमान, इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी नेहरू हाउस के शहजान को कि वो आए और पुरलुस अंदाज में पोएट्री पेश करें। आई एम ऑडिबल सर।
जी जी ऑडिबल ये बड़े अदब व एहतराम से मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे लगता नहीं कि मैं अब भी अनजान हूँ, फिर भी बता दूँ कि मैं नेहरू हाउस से हूँ। मैं नेहरू हाउस से हूँ, मोहम्मद शहजान हूँ। और अपने सभी साथियों की परफॉर्मेंस के बाद उनकी आवाज़ से लुत्फ़ लेकर मुझसे रुका नहीं गया और मैंने कलम उठाया और उनकी तारीफ में कुछ लिख दिया। इजाज़त चाहता हूँ उनकी तारीफ में कुछ लाइनें पेश करता हूँ। आप सभी की आवाज़ ने दिल को भा लिया। अरजीत और श्रेया को मुंबई से जामिया बुला लिया। और भला कौन है जिसने आपकी तारीफ में कमेंट्स नहीं किया। कुछ लड़कियों ने तो खाना बनाते हुए कमेंट्स किया और अपना हाथ जला लिया। और दिलावर तो इतना हंसा आप सभी की आवाज सुनकर। उसके पापा ने उसे पूछा क्या बनोगे बेटा। दिलावर तो इतना हंसा आपकी आवाज सुनकर। उसके पापा ने उससे पूछा क्या बनोगे बेटा। उसने बताया कि सिंगर बता दिया। और आगे एक पोइट्री और पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। और ये पोइट्री मेरी गर्ल्स एजुकेशन को लेकर एक लड़की जो अपनी पोइट्री के माध्यम से अपने मैसेज को देना चाहती है। वो मैसेज ये है कि वो गर्ल्स कहती है कि मुझे भी पढ़ना है मुझे भी आगे निकलना है। मुझे भी लाकर दो समाज ऐसा। मुझे भी घर से बाहर निकलना है। और बहलाकर फुसलाकर छीन लेते हो मेरे सारे अधिकार। अब अपनी जरूरत के लिए अब मुझे भी लड़ना है। और कहती है कि तुम फहराते रहो अपना झंडा। अब मुझे भी अपना झंडा लेकर खुद निकलना है। और ये सिर्फ तुम्हारा तो नहीं इस सूरज की धूप में, इस चांद की चमक में अब मुझे भी चमकना है। और क्या तुम्ही को फूल अच्छे लगते हैं। अब इस बागीचे में मुझे भी आगे बढ़ना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शहजान। अब हाजिर हैं ताजवर शहजाद आजाद हाउस से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी। ये मैं एक पोएट्री को पेश करना चाहूंगा जो फैज अहमद साहब की। सब काट दो बिस्मिल पौधों को, बेआब से सकते मत छोड़ो। सब काट दो बिस्मिल पौधों को, बेआब से सकते मत छोड़ो। सब नोच लो बेकार फूलों को, शाखों पे बिलखते मत छोड़ो। ये फसल उम्मीदों की हमदम, इस बार भी गारत जाएगी। सब मेहनत सुबह शामों की, अब के भी अकारत जाएगी। खेती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो। फिर मिट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो। जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो भर पाया, जब तक तो यही कुछ करना है। ये पोएट्री था बेसिकली, थोड़ी मोटिवेशनल पोएट्री है। इसमें फैज अहमद फैज साहब कह रहे हैं कि जिंदगी में एक जद्दोजहद होना चाहिए। एक मतलब कभी अगर हमें कभी नाकामयाबी मिली तो हमें कभी वैसा नहीं होना चाहिए कि हर बार नाकामयाबी के लिए तैयार रहना चाहिए। रिजल्ट के लिए, ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि होप फॉर द बेस्ट। ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें तैयार हम रहें, कि मेहनत करें और तैयार रहें। बेसिकली यही है कि हर बार ये नहीं हो कि रिजल्ट आउटकम्स आप अच्छे के लिए तैयार रहें।
खराब भी हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट तैयार करना है, बस इतना ही, शुक्रिया। बहुत उम्दा ताजवर शहजाद। अब हमारे सामने हैं नेहरू हाउस की तरफ से नौशाद अंसारी। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी आवाज आ रही है। आप जी, तो मैं आप सभी के सामने एक पोयम पढ़ना चाहूंगा जिसका शीर्षक है शब्द। शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े भी जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द तौले जाते हैं, शब्द टटोले जाते हैं, शब्द खोले जाते हैं। इस प्रकार शब्द बनते हैं, शब्द सवरते हैं, शब्द सुधरते हैं, शब्द निखरते हैं, शब्द हंसाते हैं, शब्द मनाते हैं, शब्द रुलाते हैं, शब्द मुस्कुराते हैं, शब्द खिलखिलाते भी हैं, शब्द गुदगुदाते हैं, शब्द मुखर हो जाते हैं, शब्द प्रखर हो जाते हैं, शब्द मधुर हो जाते हैं। इतना होने के बाद भी शब्द चुभते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द रुकते हैं, शब्द ताव देते हैं, शब्द लड़ते हैं, शब्द झगड़ते हैं, शब्द बिखरते हैं, शब्द सिहरते हैं, परंतु शब्द कभी मरते नहीं, शब्द कभी थकते नहीं, शब्द कभी रुकते नहीं, शब्द कभी चूकते नहीं। अतएव शब्दों से खेले नहीं, बिना सोचे बोले नहीं, शब्दों को मान दे, सम्मान दे, शब्दों पर ध्यान दे, शब्दों को पहचान दे, ऊंची लंबी उड़ान दे, शब्दों को आत्म दे, उनसे उनकी बात करे, शब्दों का आविष्कार करे, गहन सार्थक विचार करे, क्योंकि शब्द अनमोल हैं, जुबां से निकले बोल हैं, शब्द में आधार होती है, शब्दों की महिमा होती है, शब्दों का विशाल भंडार होता है, और सच तो यह है कि शब्दों का भी अपना एक संसार होता है। थैंक यू सो मच मेरी एक कविता को सुनने के लिए। बहुत खूब नौशाद। अब मैं प्रदीप को दावत दूंगी पोएट्री के लिए। वॉइस आ रही है क्या मेरी? You are audible, Pradeep. Hello. शुरू करें प्रदीप, आप ऑडिबल हैं। कविता है जो कुमार विश्वास ने हाल ही में थोड़े दिनों पहले शहीदों को समर्पित की थी, जो मैं कविता की कुछ लाइनें आपके सभी के सामने पेश करना चाहूंगा। है नमन उनको कि जो देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको भी पिता जिनके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तौल आई, बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। है नमन उस दे हरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हो। है नमन उनको।
मन धरा से भर गया है, नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीस देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल को तुक जिनके आगे पानी भी पानी हो गए हैं। है नमन उनको भी जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको भी जिनके सामने बौना हिमालय। बहुत बहुत खूब प्रदीप। अब आखिर में मैं बुलाना चाहूंगी पोएट्री के लिए इल्मा को। इल्मा इल्मा प्लीज कम। माइक किस हाउस से हैं बेटा? नेहरू हाउस से हैं माँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तक जजेस अपने रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, अगर किसी और बच्चे को कोई अपना कलाम सुनाना हो, सबा आप इनवाइट कर लो, जो टाइम है ना उसको इस्तेमाल कर लीजिए। किसी बच्चे को कुछ अगर सुनाना है तो आप बुला सकते हो। सो टिल द जजेस आर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड कैन कम एंड स्पीक। क्या मैं कुछ सुना सकता हूं? जी बिल्कुल। मैं अनस अली अंसारी हाउस से एक गजल सुनाना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तुम मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, कि मेरी जरूरत हो तुम। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सबा हारून, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम। यस मैम, यू आर ऑडिबल। कोई मुझे बताए क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। आप, मैं किसी को नहीं सुन पा रही हूँ। हाँ, फिर से बोलिए, शायद अब मैं सुन पाऊंगी। जी शान सर, थैंक यू। तो मेरे पास लोकगीत का रिजल्ट तैयार है और गजल के लिए भी तैयार है। मैं लोकगीत के लिए रिजल्ट बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ कि सबने बहुत जोश के साथ तैयारी की और टेक्निकल दिक्कतें आती हैं उसके बावजूद भी कोई जोश कम नहीं था। और लोकगीत तो केरला से लेकर के और पंजाब तक और कश्मीर तक,
मतलब ये हमारी थाती है, ये हमारी संपत्ति है कि हम कितने संस्कृति के मामले में कितने धनी है। एक छोटे से इवेंट में हम केरला से लेकर कश्मीर तक का लोकगीत सुन सकते हैं और सुना भी, पंजाबी भी, हरियाणवी भी, उत्तर प्रदेश का भी। तो सबसे पहले मैं थर्ड नंबर पे जो है उनका नाम लूंगी, वो है आजाद हाउस से एहसान मिर्जा, जिन्होंने पगड़ी वगड़ी बांध के बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। मैं उनके लिए ताली बजाती हूँ। और सेकंड नंबर पे केरला से हैं ओडम के लिए अभिराम एम, अजमल हाउस से। और उनका दोबारा अगर नहीं भी सुना जाता तो भी वो मेरी लिस्ट में, रिजल्ट लिस्ट में थे। तो बहुत अच्छी तरह उन्होंने उस आवाज को, उस धुन को निभाया, उस टेक्सचर को निभाया। टेक्सचर आपने हमें रिजल्ट के लिए भी एक पॉइंट दिया था और बहुत सुंदर गाया अभिराम आपने, तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा किया आपने। और फर्स्ट नंबर पे सबको मालूम है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से मैं नहीं भी बोलूं तो भी सब समझ जाएंगे, बंगाली गर्ल, बंगाली गाना जिन्होंने गाया सना खान, गाते गाते नृत्य जैसी अनुभूति सबको हुई और बहुत अच्छे एक्सप्रेशन, ड्रेस जो हमें पॉइंट्स दिए गए थे उसमें बिल्कुल खरी उतरी वो। तो सना खान जाकिर हाउस से। तो आपका रिजल्ट लोकगीत का आपके सामने मैंने दिया। थैंक यू सो मच, मुझे आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत बधाई आपको। अब गजल के लिए आकांक्षा मैम आपको रिजल्ट सुनाएंगी। थैंक यू सो मच मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ टुडेज प्रोग्राम प्लीज शेयर। मुझे कह रही हैं आप सना, सबा? यस मैम। बहुत अच्छा लगा सबा, बहुत अच्छा, मतलब केरला से शुरू करके कश्मीर तक के लोकगीत हमने सुने और बहुत पूरे जोश के साथ, तैयारी के साथ, ऑनलाइन मीडियम से भी इतना अच्छा प्रोग्राम हो सकता है, मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत अच्छी अनुभूति, उत्तर प्रदेश का भी लोकगीत गाया और लोकगीत में तो फूलों की बात और पत्नियों की बात और प्रेमिकाओं की बात, सब बातें जो होती हैं वो सब यहाँ हुई। और रिदमिक मैं तबला बजाती हूँ तो आपने इंट्रोडक्शन में बोला ही, कई जगह मुझे लग रहा था कि जज क्यों बनाया, तबला ही लेके बिठा देते ना, तो कई जगह ऐसी इतनी अच्छी रिदम आ रही थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your kind words. Now I request our respected judge, Dr. Akansha Juneja, who is an associate professor at the Department of Pediatric and Preventive Dentistry, Jamia Millia Islamia, to announce the winners of Ghazal. Thank you so much. Bahut hi mushkil tha, actually, honestly speaking, because everybody performed wonderfully. And actually, main Kanchana सोचने में बहुत कि गजल में कैसे हम लोग फाइनली एक कॉमन रिजल्ट पे पहुंचे। सो वी जस्ट केम अप विद, आई जस्ट अनाउंस कि थर्ड पोजीशन पे वी हैव अ टाई ऑफ मुजीब हाउस एंड आजाद हाउस, सेकंड पोजीशन पे वी हैव अ टाई ऑफ नेहरू हाउस एंड गांधी हाउस, एंड फर्स्ट पोजीशन इज अजमल हाउस। So congratulations to everyone, and बहुत ही close था, I think बहुत ज़्यादा मुश्किल था, all of you performed wonderfully. It is actually difficult to imagine कि online platform पे हम लोग इतनी easily we can actually listen to it, because जब classes ली जाती हैं तो हम लोग को actually में doubt होता है कि कितने बच्चों को हमारी आवाज़ पहुँच रही है, लेकिन music को एक अलग ही भाषा है और आई थिंक वो सबके पास पहुंच जाती है, चाहे वो ऑफलाइन मीडिया हो या वो ऑनलाइन मीडिया हो। मैं बस यही कहूंगी, थैंक यू सो मच रूही मैम, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि दे हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू मी टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आकांक्षा मैम, मैं उनके नाम भी बता दूं जो हाउस जी, मैम प्लीज आप बता दें जी। तो ये फर्स्ट में थे अजमल हाउस से अदनान अहमद फारूकी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई इसलिए मैं साथ के साथ नाम भी बता देती हूँ। सेकेंड में जो नेहरू और गांधी का जो टाई अप हुआ है उसमें नेहरू से है सार, है नेहरू हाउस सार और सफदर अली जी मैम,
और थर्ड में भी हमारे तीन है, दो हैं तो एक मुजीब से और अदना, तो मुजीब हाउस से हैं ये नईमुल हसन और आजाद हाउस से हैं हफीजुर रहमान। थैंक यू। थैंक यू सो मच आवर रिस्पेक्टेड जजेस फॉर अनाउंसिंग द रिजल्ट्स। Now I invite our respected Professor Nahid Zahoor ma'am for the concluding remarks. Dr. Kanchan Bhardwaj, Dr. Akansha Juneja, aur mere coordinators jo Dr. Tabassum, Dr. Raisa, Dr. Ruhi Fatma, Dr. Arif, tamam mere advisors aur sare bahut pyare se mere tamam bachcho, फंक्शन आपका स्टार्ट हुआ है। कल मैं नहीं थी यहाँ पर, लेकिन मैंने देखा कि आपको डिपार्टमेंट की जितनी भी लास्ट टाइम में या उससे पहले ये जो आपका कैंप था, ये जो आपका एनएसएस का और सीसीए का कैंप है, ये किस तरह से चलता है, किस तरह से यहाँ पर हमारा करिकुलम का पार्ट है। और आज हमने जो कंचन मैडम को और आकांक्षा मैडम को भी इसका पार्ट बनाया है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी देर उन्होंने हमें यहाँ पर अपना टाइम दिया और बच्चों को जज किया। यहाँ की आपको थोड़ा सा झलक मिली कि हमारे करिकुलम में क्या क्या होता है। ये बेसिकली हमारे करिकुलम का पार्ट है और हम 7 दिन का ये कैंप करते हैं। इसमें मुझे बहुत यकीन है कि बच्चों ने बहुत कोशिश की है, बच्चों ने बहुत अपना टैलेंट को बाहर भी निकाला है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा फंक्शन आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहूंगी कि खासतौर से जो हमारे जज साहिबान हैं, कि ये अभी हमारे बच्चों का पूरा टैलेंट बाहर नहीं आया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं बच्चों को भी जानती हूँ और अपने एडवाइजर्स को भी जानती हूँ, कि वो कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट के जो अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं, उनके अंदर छुपी हुई जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको किस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपोनेंट था इन लोगों का ड्रेसेस का, तो ये ड्रेसेस सबको पहन के जरूर आने चाहिए थे, क्योंकि एक क्राइटेरिया था यह जजमेंट का। तमाम स्टूडेंट्स को इस बात को बहुत और तमाम एडवाइजर्स को इस बात का ख्याल रखना था कि बच्चे जो ड्रेसेस का अगर एक क्राइटेरिया रखा गया है तो ड्रेसेस जरूर पहने, और कोई वो इतनी वैसी ड्रेसेस नहीं थी। कुछ बच्चों ने पहना, बहुत अच्छा लगा, और जो म्यूजिक का एक कम्युनिकेशन, एक जो लैंग्वेज है ये म्यूजिक की, ये वाकई में सबके दिल को फटाक से छूती है। चाहे वो आप जो भी कहना चाहते हैं, वो दिल को एकदम टच कर जाती है। तो ये और पावरफुल हो सकती है, क्योंकि हमें पता है हमारे स्टूडेंट्स कितने टैलेंटेड हैं। हो सकता है थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम हमारे यहाँ थोड़ी हो जाती है, और कुछ साफ सा पता चला कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बड़ा फर्क होता है। ऑनलाइन में नो डाउट हम बच्चों को वो सब नहीं करा पाते, लेकिन ये इस बात की हमारे तमाम कोऑर्डिनेटर्स को भी और हमारे तमाम एडवाइजर्स को भी मुबारकबाद है, और हमारे बच्चों को भी, कि वो ऑनलाइन में भी इस हद तक जा रहे हैं और इतना अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज करके चीजों को कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट, अभी आने वाले जमाने में हो सकता है कि अब जब हम नेक्स्ट कैंप करेंगे तो वो ऑफलाइन मोड में करेंगे, तब और ज्यादा से इंजॉयमेंट बच्चे कर पाएंगे, और ज्यादा से चीजों को सीख पाएंगे, और ज्यादा हम जो चीज ट्रांसफर करना चाह रहे हैं बच्चों के अंदर, इनकलकेट करना चाह रहे हैं बच्चों के अंदर, जो उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, हम उनको और ज्यादा अच्छे तरीके से उभार सकेंगे। तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि जो ऑनलाइन में आप लोगों ने ये कोशिश की है, ये वाकई में काबिल मुबारकबाद है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है कि आप लोगों ने इतनी कोशिशें की। टाइम की भी थोड़ी सी कमी रहती है, और ऑनलाइन ऑफलाइन का तो एक डिफरेंस है ही, तो इस डिफरेंस के रहते हुए आप लोगों ने अच्छी कोशिश की थी, अच्छी मेहनत की है। और अभी तो आप लोगों के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो कैंप है, इसमें हर दिन एक कॉम्पिटिशन है, हर दिन बच्चे जो है उसकी तैयारी करते हैं।
तो टाइम का शॉर्टेज होना ही है, करिकुलम में थ्योरी का पार्ट भी नहीं है और जो जो आपके एक्टिविटीज का पार्ट भी ज्यादा है। हमारे यहाँ ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, तो जो प्रैक्टिकल चीजों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि प्रैक्टिकल वर्क को हम ऑनलाइन करा पा रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने तमाम एडवाइजर्स को, तमाम बच्चों को, तमाम कोऑर्डिनेटर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे जेफ साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए और अपने जो अपना जो जजमेंट था वो बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छे से सुना और हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Thanks a lot, our respected head of department, Professor Naheed Zahoor, ma'am. Now, with the permission of the coordinators and advisors, I would like to conclude this event. Thank you. Let me thank each one of you for giving your valuable time and lifting up the spirits today. I would like to express my heartfelt gratitude to the honorable head of department, Professor Naheed Zahoor, ma'am, and our respected judges, and our coordinators, Dr. Ruhi Fatima, Dr. Tabassum Naki, and Dr. Raisa Khan, for their contribution in this event. Without them, the event wouldn't have been possible. I thank all my advisors, Dr. Muhammad Uwais Siddiqui, Dr. Savitri Singh, Dr. Iram Khan, Dr. Jamna, and Dr. Nazneen Fatima, for their support and guidance throughout this program. Big thanks to our media team, technical team, and both the organizing houses. Thank you all for making this event a success by your presence. I wish each student a bright future and a life full of success ahead. May you bloom into a beautiful butterfly from a cocoon of hardships and struggles passing in the way. Thank you all. आखिर में मैं आप सभी हजरात को अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ अलविदा कहती हूँ। नमो कनात किशार गुल थी, इसी से कयाम है शाम तेरी। नमो कनात किशार गुल थी, इसी से कयाम है शाम तेरी। उफूर गुल हो अगर चमन में तो और दामन दराज हो जा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।